नेट इलिमिटेड एरिया योर अबाउट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किन्होंने सुना है? सबने सुना भाई, थोड़े ही लोग हैं। एग्रीकल्चर सभी लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन का बताना चाहिए। सो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें तीन चीजें इम्पोर्टेंट थी। फर्स्ट वाज वैराइटीज फॉर द सीड मटेरियल वी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्रीज, देन फर्टिलाइजर एंड देन इरिगेशन। ठीक है, अगर आप अपने जो वो सारी में खेती नहीं होती थी, कुछ में किसान खेती करता रहता था, बाकी में जुताई करता रहता था। उसका कारण क्या था? एट दैट टाइम इरिगेशन सोर्सेज वर नॉट वेल डेवलप्ड। अगर वो सारी में बढ़ देते तो वो फसलें पानी की कमी की वजह से खराब हो जाती। तो क्या करते थे कि उतने एरिया में बोते थे जितने एरिया को पानी दे सकते थे। ठीक है ना? आप ये कहेंगे, आज मैं भी कहूंगा मेरे दादा और वो सब तो यह समझदार नहीं थे कि खेती जमीन खाली छोड़े रखते थे। वो उन परिस्थितियों में करते थे, उनको पानी कैसा लगाना पड़ता था। दीस डेज वी आर हैविंग ट्यूबवेल्स, वी गो एंड पुश बटन, इरिगेशन स्टार्ट्स। और अब तो ये भी स्थिति है कि बहुत से लोग खेत में भी नहीं जाते हैं, रात में बिजली आई मोबाइल से चला करते हैं। पता होगा नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी मोबाइल से अपग्रेड हो जाते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। वो चरस है, ढेलीज है, ये पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए आपने। सो दोज वर द मींस ऑफ इरिगेशन एट दैट टाइम। सो दैट इज व्हाई दे वर कल्टीवेटिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड पार्ट वॉज केप्ट फैलो। It was compulsion at their part. They were not having irrigation resources. So that is why net irrigated area. It is given there. It was 20.85 in 1551 and went up to 71.5. Almost 3.5 times increase. So this clearly shows a direct relationship between fruit grain production and irrigation facilities. Then gross irrigated area. Gross irrigated area under 2.67. Fine. So at right now the net cultivated area is around 140 million hectare. Of that, nearly 50% is having irrigation. So this shows that we have to work hard on putting more and more area under irrigation. We should make efforts. Under the table, you might be seeing certain information. That is the source-wise irrigation. अगर आप देखें irrigation कहाँ कहाँ से farmers करते हैं, one is canal. Canals are again of two types, private owned and government owned. Largely it is government owned. So canal irrigation is to the extent of around 11.4%. टैंक्स 1.67%। कुछ एरियाज है जहाँ पर टैंक बना रखे हैं, स्पेशली रेनफॉल एरियाज वेयर अंडर ग्राउंड वाटर इज लैकिंग। एंड देन ट्यूबवेल्स, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम ट्यूबवेल्स, 35% नियरली। तो जो ट्यूबवेल्स हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अदर वेल्स 11% एंड अदर सोर्सेज आर अराउंड 10%। सो दिस इज the distribution of irrigation source wise. Next please. Now again here is some information for capita arable land. What is meant by arable land? The land that we are cultivating per capita, prati vyakti kitni land hai. 1951 mein kitni thi? 0.39 hectare. 2011 mein kitni ho gayi? 0.12। ठीक है, और 2025 में कितनी हो जाएगी? 0.10। और 2050 में कितनी हो जाएगी? सोचने की भी जरूरत नहीं है, 0.09 होगी। इतने को तो जब आप राउंड ऑफ करते हैं आ जाते हैं। ठीक है नहीं? सो इसका मतलब क्या है? पर कैपिटा एरेबल लैंड इज
डिक्लाइनिंग। आप कह सकते हैं कि जब लैंड तो 328 की 328 है तो ये कहां चली गई, किसके मार, ठीक है ना, वो इसलिए जा रही है। ये कोलिज आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2010 में। इसके पास भी कुछ लैंड है, बिफोर 2010 ऑल दिस वाज कल्टीवेटेड लैंड, दिस इंस्टीट्यूशन हैज ऑक्युपाइड दिस एरिया, तो इसलिए घटती चली जा रही है। पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग, अच्छा पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी रिक्वायरमेंट लैंड की नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती चली जाती है। हर किसी को खेलने के लिए मैदान चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, घूमने के लिए सड़क लैंड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। सो ऑल दैट लैंड इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट इज व्हाई द पर कैपिटा अवेलेबल लैंड इज डिक्लाइनिंग। तो चिंता क्या है, लैंड डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड वी हैव टू मेंटेन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फाइन, सो यू हैव टू गिव अ थॉट ऑन दैट। देन पॉपुलेशन वाज 359 मिलियन इन 1951, 1.2 बिलियन इन 2011, 1.3 बिलियन 39 बाय 2025 एंड 1.58 बिलियन बाय 2050। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, आप ये मत समझना कि आई एम ज्योतिषी, आई एम नॉट ए ज्योतिषी, ये जो डेटा है कैलकुलेशंस हैं पिछले अनुभवों के आधार पर, व्हाट हैज बीन द रेट, व्हाट वे इट इज डिक्लाइनिंग, उन सबको कैलकुलेट कर दो, दीज आर द प्रोजेक्शंस एंड द सिचुएशन रिमेंस मोर और लेस क्लोज टू दीज प्रोजेक्शंस। तो ऑल दीज आर प्रोजेक्शंस एंड देयर इज एवरी लाइक्लीहुड ऑफ रियलाइजिंग दीज प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो यू कैन सी पॉपुलेशन विल इंक्रीज, आज हम 1.39 पे हैं, उस समय कितनी थी 35 मिलियन उसमें ऐड हो गई है, ठीक है। सो देन वी कम टू द फूड डिमांड, राइट नाउ आवर प्रोडक्शन इज अराउंड 300 मिलियन टन्स, 21-22 वी प्रोड्यूस 315 मिलियन टन्स एंड बाय 2050 यू वुड बी रिक्वायरिंग एट लीस्ट 380 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर दिस पॉपुलेशन।